यूपी के बाराबंकी के विकासखंड सिरौली गौसपुर ग्राम पंचायत भरतीपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य जो बीडीसी पद उम्मीदवार में सपना चौहान पत्नी डॉक्टर सतनाम चौहान जो भारी मतों से विजयी हुई थी, बीडीसी पद जीत हासिल करने वाली सपना चौहान आज क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए ब्लॉक प्रमुख पद के दावेदार मैदान में उतरी हैं। ब्लॉक प्रमुख के दावेदार सपना चौहान की पति डॉक्टर सतनाम चौहान का क्या कहना है, क्षेत्र के विकास एजेंडा पर सुनिए उन्हीं की जुबानी। इंडिया समाचार से ये थी हमारे संवाददाता बाराबंकी से विजय सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर सतनाम जी, जो आप ब्लॉक प्रमुख पद की लड़ाई चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तो आपके पास क्षेत्र पंचायत जो सदस्य बीडीसी हैं कितनी संख्या होगी? इनकी संख्या 50 से 55 की होगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो नवनिर्वाचित चुने गए हैं। आपका अगर ब्लॉक प्रमुख का पद हासिल होता है तो आप विकास का क्या एजेंडा दिखाएंगे क्षेत्र में? जो कार्य आज से कई साल पहले जो नहीं हुए हैं, स्थगित पड़े हुए हैं, उनको किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख में जो है पूर्णकालीन बैठा जाएगा, जनता की फरियाद को सुना जाएगा और जनता का चौतरफा विकास किया जाएगा, यही रहेगा हमारा एजेंडा। चुनाव के मैदान में प्रत्याशी कौन उतारेंगे आप? प्रत्याशी हमारी वाइफ हैं सपना चौहान, जो ग्राम जुड़वा भरतीपुर से जो है बहुत से ज़्यादा मतों से जो है विजयी घोषित की गई हैं, उनको जो है प्रमुख पद के दावेदार हैं और बीजेपी की आशीर्वाद।